तरफ है दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद और एक तरफ है दुनिया का सबसे बड़ा क्लॉक टावर। ने क्लॉक टावर को बाहर से तो बहुत दफा देखा है, आज हम अंदर जाके देखते हैं। सेंटर में क्लॉक टावर है और उसके इर्द गिर्द तीन इस साइड पे बिल्डिंग है और तीन इस साइड पे बिल्डिंग है। टोटल जो है वो 7 टावर है यहाँ पर। अभी मस्जिद से मैं निकल कर ये क्लॉक टावर की तरफ जा रहा हूँ। ये इसकी मेन एंट्रेंस है, जहाँ से मैं एंटर होने लगा हूँ। बाहर जो है ये कोई परफ्यूम्स की शॉप है और ये हम अंदर एंटर हो रहे हैं। अंदर एंटर होते ही ऐसे लगता है जैसे मैं किसी मॉल में एंटर हो गया हूँ। सबसे ज़्यादा जो मशहूर है वो अरेबियन ऊद है। मैं क्लॉक टावर एंटर हो गया हूँ, अब जाके मैं करवाने लगा हूँ, दोबारा से अटेंड करवाने लगा हूँ। उम्रा इंशाल्लाह हमारा मुकम्मल हो जाएगा और उसके बाद जाकर गुसल करेंगे। ये होटल पर जाने के लिए लिफ्ट है, यहाँ से होटल में हम जा सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह टेंट भी मैंने करवा ली है और जो आखिरी सुन्नत थी वो भी मैंने पूरी कर ली है, उम्रे की एक अदायगी मुकम्मल कर ली। अब जाकर नहाते हैं और चेंज करते हैं। ये बच्चों के खेलने के लिए यहाँ पर माशाल्लाह आपको ऊद बहुत ज़्यादा मिलेगा और ये एक ख़ास किस्म की लकड़ी है जो सिर्फ यहाँ से ही मिलती है, मतलब आपको सऊदीया में, और बड़ी अच्छी खुशबू है। ये मैंने एक ऊद ली थी और उसके अंदर ये लकड़ी मौजूद है और इसकी खुशबू बहुत ज़बरदस्त है। पाकिस्तान से मैंने ली थी। ये उबाया वगैरह ख़रीद सकते हैं, यहाँ पर उबाया है। इसी तरह से ये भी उबाया की शॉप है और यहाँ से ये जो अरबियों का सूट होता है वो ख़रीद सकते हैं और बच्चों के खेलने की जो खिलौने हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। जानमाज़ यहाँ से ख़रीद सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से तो अभी हम बेसमेंट में ही हैं, बेसमेंट से ऊपर की तरफ जा रहे हैं। मैं बेसमेंट में आया हूं सबसे पहले, मतलब ऊपर नहीं मैं कहीं गया, अब ऊपर की तरफ जा रहा हूं। ये देखें ये लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही है। ये देखें कितनी खूबसूरत तस्वीर वगैरह है यहां पर, बड़ी बड़ी हैं और थोड़ा करीब से भी आपको दिखाते हैं। मुख्तलिफ कलर्स हैं यहाँ पर तस्वीरों के, ठीक है, ब्लू, ग्रीन, उसी तरह से येलो, और ये रिंग्स हैं बड़ी खूबसूरत हैं। ये बड़ी बड़ी तस्वीर है, माशाल्लाह माशाल्लाह। अब ऊपर की तरफ जाते हैं। ये सामने मुझे फुटबॉल की ट्रॉफी लग रही है, लेकिन ये आर्क है, ये आप देखें खूबसूरत आर्क बनी हुई। चाइनीज़ पीपल इसको देख रहे हैं बड़े गौर के साथ, माशाल्लाह सुभान अल्लाह। अभी हम इस लिफ्ट का भी इस्तेमाल करेंगे, ये ऊपर तक जाती है, हम ऊपर तक जाएँगे। ऊपर जा कर भी आपको दिखाते हैं कि क्या है। यहाँ से भी लोग जा रहे हैं, ठीक है। ये नीचे है हमारे पास लेडीज़ के लिए सेफोरा नाम से, और ये छोटे छोटे स्टॉल टाइप आप कह लें कि यहाँ पर खुशबू ज़्यादातर ना लोग यहाँ से खुशबू लेकर जाते हैं। ये देखें कितना खूबसूरत है माशाल्लाह। मॉल के अंदर आते ही एक अलग सी खुशबू हमें यहाँ पर महसूस होती है, उसकी वजह आप देख सकते हैं कि बहुत सारी परफ्यूम्स की शॉप्स हैं जिसकी वजह से आप कह सकते हैं। उस लिफ्ट पे काफ़ी ज़्यादा रश था तो हमने इसका इस्तेमाल किया है। अब यहाँ से हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं, वो मेन एंट्रेंस है जहाँ से मैं एंटर हुआ हूँ, माशाल्लाह। अभी हम जा रहे हैं थर्ड फ्लोर में और वहाँ पर भी देखते हैं क्या है। ये कोई है परफ्यूम की, बड़ी प्यारी लग रही है ये ट्रॉली जो है जिसके अंदर उन्होंने परफ्यूम्स रखी हुई हैं। इस टाइम मैं मौजूद हूँ थर्ड फ्लोर में और यहाँ पर सारे जो हैं वो ब्रांड्स हैं। आप देखें ये सारे ब्रांड्स वाला एरिया है और ऊपर महंगे महंगे ब्रांड्स हैं। सिर्फ ओवरव्यू ले लें आप बाहर का ताकि आपको आइडिया हो सके कि अंदर जो है क्लॉक टावर के क्या मौजूद है। अभी मैं फोर्थ फ्लोर में जा रहा हूँ, मुझे भूख लगी हुई है उमरा करने के बाद, तो अभी नाश्ता करते हैं। तकरीबन जो टाइम है वो 9 बज रहे हैं तकरीबन। मैं फोर्थ फ्लोर में आ गया हूँ जहाँ पर खाने पीने वाली जगह, तो खाने पीने वाली देखते हैं कोई अच्छा सा हमें मिल जाए खाना, ताकि सुबह का जो नाश्ता हमने करना है वो हमारा अच्छा नाश्ता हो जाए यहाँ पर। रोजी है, देखते हैं हमें अच्छा खाना कहाँ से मिलता है। ये कोई आइसक्रीम है, मुख्तलिफ किस्म की यहाँ पर आइसक्रीम है, लेमन एप्पल, लेमन रेडमेंड, बड़ी खूबसूरत लग रही है यहाँ पर पड़ी हुई। सुबह सुबह का टाइम है, इतना रश नहीं है यहाँ पर भी और सामने भी। ये इससे ऊपर भी एक फ्लोर है और आप देखें कि ये मैं फ्लोर के ऊपर मौजूद हूँ,
फोर्थ फ्लोर पे मैं मौजूद हूँ, तो यहाँ से आप व्यू देख सकते हैं। ठीक है, ये सामने हार्डीज़, पिज़्ज़ा हट और ये सारे इधर ब्रांड मौजूद है, मैकडोनल्ड। ठीक है, और इसी तरह से यहाँ पर है, ये सामने है। चिकन मिक्स से ऑर्डर करवाया, अब आएगा तो हम इधर बैठ जाते हैं, आता है तो फिर आपको दिखाते हैं कि क्या जो है वो आ रहा है चिकन मिक्स से। अल्हम्दुलिल्लाह खाना आ गया है, सुबह का नाश्ता मैं करने लगा हूँ। और ये है जी पराठे, दो पराठे हैं, ये अंडे की भुजिया है, ये जो है वो फ़िश की भुजिया है, इसमें सैलड है और चिप्स हैं। ठीक है, और ये साथ बोतल है, ठीक है, पेप्सी की। तकरीबन ये 25 साल का है और खाते हैं मज़े से। तो पाकिस्तान के आप लगा लें, ये सुबह का नाश्ता कितने का होगा आप कमेंट में ज़रूर बताएं। पहली बाइट लेते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मज़ेदार खाना, ज़्यादा था, पैक करवा लिया, सारा नहीं खाया गया। अब चलो शाम के टाइम जुमा पढ़ने के बाद इंशाल्लाह हम इसको दोबारा इस्तेमाल में लेकर आएंगे। लिफ्ट मेरा ख़राब है। खाना खा लिए, अब जा रहे हैं जी दोबारा होटल की तरफ और यहाँ पर ही वीडियो को एंड करते हैं। मैंने आपको एक शॉर्ट टूर करवा दिया है मक्का टावर का, इसके अलावा बहुत हम ऊपर होटल में नहीं जा सकते, उस वो अलो नहीं है, तो वो जिन्होंने होटल बुक करवाए हैं वही जा सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा लगा यहाँ पर, तो यहाँ पर वीडियो को एंड करते हैं। बहुत शुक्रिया, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, अल्लाह हाफिज़।